हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस बड़ी खबर के तरफ, जो कि आपको भी अभी तक मिल चुका होगा, व्हाट्सएप में भी ये न्यूज आ रही है, ये काफी सारे वेबसाइट्स भी ये न्यूज को दिखा रहे हैं। तो न्यूज क्या है, देखिए इसके बारे में जानते हैं। सीआरपीएफ 1.3 लाख वैकेंसी ऑफ कॉन्स्टेबल जीडी, तो इसको ट्रू और फेक है कि नहीं, तो चलते हैं फ्रेंड्स, इसको एनालाइज करते हैं, रिसर्च करते हैं इस न्यूज को। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं अपने बारे में ब्रीफ। आई एम राजीव रंजन झा, एक्स डिप्टी कमांडेंट फ्रॉम सीआरपीएफ, एंड मेरा टारगेट है गवर्नमेंट जॉब्स फॉर माई स्टूडेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं खुद ही सीआरपीएफ से हूँ, ये न्यूज भी सीआरपीएफ से आ रही है, और ये आज इवन हमारे भी ऑफिसर्स की जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी ये न्यूज छाई हुई है, उसके डिस्कशंस भी हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया है, और अब चलते हैं इस न्यूज को जानते हैं विस्तार से। देखिए ये न्यूज मैं आपको पहले दिखा देता हूं, ये जो आ रहा है, जैसे देखिए आप यहां पे लिखा है अप्रोक्सीमेटली द वैकेंसी इज 1.3 लाख, और करीब यहां पे मेल्स का वैकेंसी 1,29,000, फीमेल का वैकेंसी इतना दे दिया गया है। तो ये इस तरह से आपको भी मिला होगा, व्हाट्सएप पे मिला होगा, और डिफरेंट माध्यमों से आपको ये खबर यूट्यूब चैनल्स पे मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं। देखिए पहले थोड़ा सा सीआरपीएफ के बारे में जान लेते हैं, जो कि मैं खुद ही सीआरपीएफ से हूँ, ठीक है ना। तो ये विकिपीडिया पे आप खुद भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये न्यूज। कितने बटालियन है, 2,46,000, ठीक है। और एक बटालियन में करीब मतलब 1,000 से ऊपर ही आदमी रहते हैं, 1,000-1,200 आप मान के चले सारे तंत्र को मिला के, कॉन्स्टेबल, ऑफिसर, फिर उसके बाद में मिनिस्ट्रियल स्टाफ और जितने भी जो भी साइड सपोर्ट स्टाफ है, वो करीब मिला के 1,200 के आसपास हो जाते हैं। तो टोटल जो है एम्प्लॉयज, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, ये देखिए आप जो दिख रहा होगा, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज कितने हैं सीआरपीएफ का, 3,13,000। थ्री कितना हो गया, 3,13,000, मतलब 3.13 लाख, ये हो गया। दिस इज द एग्जिस्टिंग टोटल एम्प्लॉयज ऑफ सीआरपीएफ ऑलमोस्ट, ठीक है। और वैकेंसी कितने का बोला जा रहा है, 1.3 लाख। तो क्या ये आपको सही लग रहा है? देखिए सबसे बड़ी बात है, सीआरपीएफ जो कोर्स है ये बिफोर इंडिपेंडेंस के पहले से क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, सीआरपी के नाम से, मतलब प्री इंडिपेंडेंस की ये फोर्स है, सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री है, और तब से अब तक में इसके जो एम्प्लॉय टोटल हुए हैं 3.13 लाख। और क्या वैकेंसी इतना ज्यादा एक बार में आएगा? नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो चलिए क्या आएगा नहीं आएगा उसको जानने के लिए अब हम लोग चलते हैं अपना आगे, ठीक है, न्यूज के तरफ, जो कि ऑथेंटिक न्यूज मैं आपको दिखाऊंगा और रिसर्च करेंगे इसके बारे में, फिर जानेंगे, ठीक है। तो देखिए ये न्यूज जो है आपके सामने में कब का है, फ्राइडे 23 जून 2023, मतलब ये आज का ही न्यूज है, ठीक है, मगर ये लिया गया है पुराने न्यूज से। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये भी आप देखेंगे फ़रवरी 7, 2023 का ये न्यूज है, ठीक है। उसमें क्या बोला जा रहा है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फेक न्यूज भी जो होगा वो भी आपको पता लग जाएगा, सब कुछ पता लगेगा। द गवर्नमेंट ऑन ट्यूजडे प्रेजेंटेड द रिक्रूटमेंट स्टेटस ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सीएपीएफ जिसे कहते हैं। उसमें क्या क्या आता है, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, सशस्त्र सीमा बल एंड असम राइफल्स, ठीक है। उसमें जो है कितना लैक्स का वैकेंसी, इसमें देखिए अभी दिखा रहे हैं, इट आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं अपने स्क्रीन पे, 83,000 पोस्ट लाइन वैकेंट, ठीक है। और टोटल जो इनका जो सारे जो आर्म्ड पुलिस फोर्स है सीएपीएफ, उसका स्ट्रेंथ जो है टोटल स्ट्रेंथ वो 10 लाख के आसपास है, ठीक है, जिसमें बीएसएफ बहुत बड़ा है, सीआरपीएफ भी बहुत बड़ा है, और उसके बाद में ये आईटीबीपी और ये सब भी है, ठीक है ना। तो अब जो क्या बोल रहे हैं ये आप ध्यान दीजिए कि एज पर द शेयर डाटा इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में बोला वाला बात है, मैंने इस पे एक वीडियो भी किया था, तो कि वैकेंसी क्या आ रही है सही में या नहीं, वो उसमें मैंने बताया था यही बातें कि 32,181 कैंडिडेट्स वर रिक्रूटेड बिटवीन जुलाई 2022 एंड जनवरी 2023, एंड एडिशनल जो है मतलब 64,000 के करीब वो जो वैकेंसी हैज बीन प्लान टू कंक्लूड द एक्सरसाइज इन 2023 इटसेल्फ, ठीक है। 64,000 के जो वैकेंसी है एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एडिंग दैट इट हैज बीन प्लान टू कंक्लूडेड, मतलब इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, या प्रोसेस रिक्रूटमेंट का किस स्टेज पे है, इनिशियल स्टेज पे है या शुरू हो गया, ऐसा अभी पूरा क्लियर नहीं है इसमें, बट वो करीब जो वैकेंसी होगी वो वैकेंसी कितने के आसपास में बताई जा रही है, 64,000, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एक चीज और देखते हैं जो इस खबर में बहुत इंपॉर्टेंट है,
फिलिंग वैकेंसी इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड द मिनिस्ट्री हैज बीन टेकिंग एंड विल कंटिन्यू टू टेक अर्नेस्ट स्टेप टू फिल अप द वैकेंसी एक्सपीडियसली थ्रू. एक्सपीडियसली मतलब जल्दी से जल्दी, और 2023 में होगा ही क्योंकि इलेक्शन ईयर इज वेरी नियर भाई, चुनाव आने वाले हैं. तो देखिए किसके थ्रू, यूपीएससी एसएससी एंड अदर फोर्सेस कंसर्न. मतलब क्या होता है, यूपीएससी के थ्रू असिस्टेंट कमांडेंट या ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट, जिसके जैसा कि मैंने भी फेस किया था, ठीक है, क्लियर किया था, और एज एक्स डिप्टी कमांडेंट में आप, तो वो यूपीएससी करेगी ऑफिसर्स की. स्टाफ सिलेक्शन कमीशन किसकी करती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपको पता है एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो वैकेंसी होती है वो इसी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में रिक्रूटमेंट एज कांस्टेबल के लिए की जाती है. तो वो अभी जो है इस बार एसएससी के कैलेंडर में इस बार नहीं आया, ठीक है, कि एसएससी के कैलेंडर में आप सब लोग हैरान थे कि भाई जो इस बार की जो रिक्रूटमेंट है वो एसएससी जीडी कांस्टेबल की वो नहीं दिखाया गया था, तो सब मायूस भी थे. मगर मैं हर समय बोल रहा हूं कि देखिए ये वैकेंसी आनी ही आनी है. क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो 64,000 की करीब वैकेंसी बताई गई है जिसको कि दे हैव टू फिल विद इन दिस ईयर ओनली 2023. किस स्टेज में है रिक्रूटमेंट का उसकी बात नहीं बोली गई है. तो ये वैकेंसी मान लीजिए इट मे कम इन द एंड ऑफ दिस ईयर या मैक्सिमम स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर, सो दैट कि ये रहेगा कि इतनी वैकेंसी ये गवर्नमेंट ने इतने एक बार में लेके आए हैं और आपको जॉब मिलेगी, ठीक है. और एक चीज बता दूं कि इसका जो वैकेंसी आप जब प्रिपेयर करते हो तो इसमें आपको ये है कि इसमें 5 किलोमीटर के रेस में या रिटर्न एग्जाम में बहुत लोग छट जाते हैं, तो इसकी तैयारी अभी से आप करिए. क्यों, क्योंकि देखिए मेरा जो टारगेट है एसएससी एंड अदर गवर्नमेंट जॉब फॉर माई स्टूडेंट्स है, ठीक है फ्रेंड्स. तो अब जो है हम लोग चलते हैं कि ये देखिए मैं इस वीडियो को यही खत्म कर रहा हूं और आपको ये बोल रहा हूं कि 1.3 लाख की जो वैकेंसी आई है, 1.3 लाख इज नॉट करेक्ट. फेक नहीं बोल रहा हूं मैं, नॉट करेक्ट, ठीक है, क्योंकि इतनी ह्यूज वैकेंसी हो ही नहीं सकती, ठीक है. दूसरा उसके बाद मैं बोल रहा हूं कि करीब 64,000 के आसपास की जो वैकेंसी है इन सीएपीएफ, जिसको कि कंडक्ट कौन कराता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी जीडी कांस्टेबल जिसको हम लोग जानते हैं उसके थ्रू होना ही होना है, ठीक है फ्रेंड्स. तो इस तरह के वैकेंसी और इस सबको जानने के लिए और कंसेप्चुअली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि मैथ्स कहलाता है, रीजनिंग इंग्लिश एंड करंट इवेंट्स, मैं और मेरे जो फ्रेंड्स हैं टीम है इस चैनल के थ्रू जो कि एसएससी झा क्लासेस है, एसएससी लिखा हुआ है, बट ये जो है सारे कंपटीशन एग्जाम में आपको काम आएगा, ठीक है. तो उस चैनल को शीघ्र ही लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें सो दैट कि आपको फेक क्या है या नॉट करेक्ट क्या है और सही क्या है उसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी. सो फ्रेंड्स वंस अगेन थैंक यू एंड गुड लक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.